अभी मेरी आवाज़ सुबह उठने के बाद में ये है, और इस क्लिप में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताबिश अली की जो परफॉर्मेंस थी उसका क्या राज है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, डैट आई एम नॉट अ प्रो लेवल सिंगर। ये सिर्फ पहना है मैंने ताकि अपने आवाज़ को ऑन द गो मॉनिटर कर पाऊँ, और ये मेरा यूट्यूब के लिए है। मैं शौकिया गाता हूँ लेकिन आई एम नॉट अ प्रो लेवल सिंगर। बट इस क्लिप के बाद आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा एंड आई थिंक आप समझ जाओगे। तू जो मेरे नाल तो रहता तुर पे मेरी आसा जीना मेरा हुण है तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा मेरे दिल ने चुलिया ने तेरे दिल दिया। कंप्यूटराइज आवाज और लिपसिंग वाला ऑडिशन, शक्ल पे चूतिया दिखाया क्या? वाइल्ड कार्ड एंट्री में कौन आने वाला है, रितु रिबा या फिर ताबिश अली? आप सब जो चाहते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन इंडियन आइडल क्या चाहता है इस बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। सो वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहली चीज कि इंडियन आइडल के पास में दो अनमोल रतन थे, जिसमें से एक के बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है, रितु रिबा। अगर नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो चेकआउट करो, क्योंकि वो वीडियो जो है पार्ट वन है और ये पार्ट टू, और टोटल मिलाकर के इसका तीन पार्ट होगा। यानी इस वीडियो के बाद भी एक और वीडियो आएगा और उसमें भी एक सिंगर के बारे में बात करूंगा जो कि काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, और अगर अभी तक नहीं है तो अब तो हो ही जाएगा इस वीडियो के बाद में। सो इस वीडियो में रितु के बारे में बात नहीं करूंगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं ताबिश अली, जिसके परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा डाउट जा रहा है दिमाग में। देखो, सबसे पहली चीज, ये बंदा सच्ची में एक अच्छा परफॉर्मर है। परफॉर्मर और सिंगर होने में फर्क होता है, जैसे कि लेडी माइकल जैक्सन। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में बात करूं तो कमेंट सेक्शन पे जाकर के लिखो, मैं उसके बारे में भी लेकर के आऊंगा वीडियो। मैंने बहुत सारी चीज बहुत बारीकी से नोटिस की है। ताबिश अली का जो ऑडिशन राउंड रहता है वो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि वो रिजेक्ट हो गया है और उसके बाद उसको बुलाया जाता है, एक मिनट सुनो। अब उसमें दिखाया जाता है कि थोड़े देर पहले बंदे ने क्या गाया, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ अलग तरह के क्लिप्स दिखाए आपको। सबसे पहला चीज जो मैंने नोटिस किया कि ताबिश अली ने सबसे पहले जानबूझ करके इतना लो गाया, एकदम नॉर्मल सा गाया, जिसके अंदर में सिंगिंग वाली कोई बात नहीं थी। ये उस तरह की सिंगिंग थी जो कि आप और हम घर में गुनगुना लेते हैं, बिल्कुल उसी लेवल पे बंदे ने गाया है। और जहां तक मैं जानता हूं, इंडियन आइडल के सिलेक्शन के लिए लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा, जज मुझे किस तरह से जज करने वाले हैं, वो बस अपना बेस्ट देते हैं। पर यहाँ पे बंदा कहता है कि नहीं, मैंने सोचा ये गाना को सिंपली गा देता हूँ, और इसके ऊपर मैं तो एक्टिंग के लिए ऑस्कर जाना चाहिए नेहा मैम को, क्योंकि नेहा मैम ने जिस तरह से बोला ये क्या था, ऐसा क्यों गाया, अरे फिर से गाओ, नहीं फिर से गाओ, मैम आपसे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ, जबकि मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता। और विशाल सर ने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया। अब देखो, ये जो एपिसोड के अंदर में जो भी चीजें हुई है ना, उसको दो हिस्सों में बांटने वाला हूँ। सबसे पहला हिस्सा ये कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, क्योंकि अगर आप किसी की मुड़की सुन करके उस पर फिदा हो गए और उसको वापस बुला करके बोले कि परफॉर्म करो, तो सर और मैम एक बार जो है ना ऑडिशन वाले जगह पे जाकर के खड़े हो जाओ और वहां पे किसी को गुनगुनाते हुए सुन लो, आप बोलोगे सबको सेलेक्ट करना चाहिए, सबका फिर से ऑडिशन लेना चाहिए, ऐसा होता है क्या? और इसी ए कैटेगरी में ही मैं कह रहा हूं, अभी तक बी कैटेगरी में नहीं गया हूं, ए कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि बंदा जो है फुल्ली प्रिपेयर होकर के आया था, यानी अपने हाथ में गिटार था और एकदम सूट बूट के साथ आया था, मतलब समझ रहे हो, ये एक अच्छा परफॉर्मर है। यहां पे जजेस लोग बात कर रहे हैं और वो अपना गाना गुनगुनाया जा रहा है, मतलब अलग ही जोन में है, वो बता रहा है भाई अपना एटीट्यूड अभी चेंज हो गया, तुमने मुझे अभी वापस बुलाया तो अभी अपन पूरा गा के जाएगा, तुम रोको या टोको अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा गाता है एंड ट्रस्ट मी दैट वाज अमेजिंग। एक बार के लिए ऐसा लगा कि ये बंदा रिकॉर्डेड गाना गा रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से वॉक करके जाता है और जो मुड़की की आवाज आती है ना, वो गुनगुनाते हुए दिखता भी नहीं है। अब दूसरा बी कैटेगरी का जो सवाल आता है दिमाग में, वो ये कि क्या ये बंदे को सच्ची में निकाल दिया गया है, क्या ये बंदा सच्ची में और दोबारा वापस नहीं आने वाला है? तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग जब दिखाया जाता है, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग हर साल इंडियन आइडल में दिखाया जाता है, और उस स्टोरी को टीआरपी के लिए बचा करके रखते हैं, तो इतने अच्छे ऑडिशन देने के बाद कि भाई तीनों जजेस एकदम फिदा हो गए और बोले हमें यही तो चाहिए, उसको थिएटर राउंड में निकाल कैसे दिया यार, जबकि थिएटर राउंड में भी बंदे ने एकदम कमाल का फाड़ गाना गाया, उसके बावजूद भी कैसे क्यों निकाला? अभी जनता के ऊपर में है कि वो सोशल मीडिया में जाकर के क्या तहलका मचाती है, वी वॉन्ट रितु रिबा या फिर वी वॉन्ट
ताबिश अली, जिस पे ज्यादा प्रेशर होगा उसी को वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दे, क्या पता। और दे या ना दे, ताबिश अली का फिक्स है, क्योंकि ताबिश अली के ऊपर में जिस तरह से फोकस रखा गया, जिस तरह से उसकी स्टोरी बनाई जा रही है, उसके हिसाब से लगता है कि बंदे को जो है वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री में बुलाएंगे और ऋतु रुबा को पूरे तरह से ड्रॉप ही कर दे, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचना कि मैं ताबिश अली के बिल्कुल खिलाफ हूं। ताबिश अली में टैलेंट है, इसके अलावा जो उसकी आवाज सुनाई गई है ना, वो आवाज जिस तरह से वो माइक सामने में है और जिस तरह से वो गा रहा है, उस तरह से माइक बिल्कुल कैच नहीं करती। यानी वो पूरे तरह से एक प्रीसेट है, मतलब हम उनको दिखाएंगे और कैसे भी दिखाएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ताबिश अली की आवाज इट्स मैजिकल, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही बड़ा झोल लग रहा है। आपको क्या लगता है, ये चीज कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। आप किसको चाहते हो उसके बारे में लिखो #WeWantRituRiba इन इंडियन आइडल या फिर WeWantTabish Ali इन इंडियन आइडल, आप जाकर के कमेंट सेक्शन पे लिखो। और आपके अंदर की फीलिंग क्या कह रही है, जो चीज मैं कह रहा हूँ क्या वो सच है, वो सच में ऐसा हो सकता है। अब जाकर के कमेंट सेक्शन पे ये बताओ कि एग्जैक्टली जो आपने स्टार्टिंग में दो क्लिप देखे, एक बाथरूम वाला और एक जो गाना गा रहा हूँ इसी जगह पे खड़े होकर, क्या समझ में आता है आपको, मैंने क्या बताने की कोशिश की है। यहाँ तक वीडियो देख लिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।